दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जोगता अकेडमी चंडीगढ़। उपमंडल करसोग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तत्तापानी में उत्तर भारत का महत्वपूर्ण ट्रेनिंग कैंप नेशनल इंस्टीट्यूट वाटर स्पोर्ट्स के सहयोग से आयोजित किया गया। इसमें पंजाब, हरियाणा तथा अन्य प्रदेशों से आए लगभग 12 युवक शामिल हैं। इस दौरान स्टिल वाटर एक्टिविटीज में कोई प्रकार की घटना हो जाए तो उसमें किस प्रकार CPR आदि देकर मानव जीवन बचाना है उसको प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया। मोटर बोट का रखरखाव तथा संचालन किस प्रकार सुरक्षित करना है उसको लेकर भी बताया गया। वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन तत्तापानी के प्रमुख प्रतिनिधि प्रेम राणा ने बताया कि भारत सरकार के उपक्रम जिसमें नेवी से जुड़े ट्रेंड प्रशिक्षक इस शिविर में पहुंचे। प्रशिक्षण के लिए शामिल सभी युवाओं को सतलुज नदी के पानी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बैनर तले विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किया। सर, तत्तापानी में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां जो हैं यही बहुत चलती हैं, बहुत सारे पर्यटक भी आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट वाटर स्पोर्ट्स का जो है एक नॉर्थ इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण कैंप तत्तापानी में लगा, उसके बारे में आप जानकारी दें। जी नमस्कार, अभी हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन तत्तापानी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स जिनका ऑफिस गोवा में है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक कैंप का आयोजन किया जिसमें 12 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। इन स्टूडेंट्स को तैराकी, CPR, फर्स्ट एड, बोट चलाना और बोट संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में डिटेल में बताया गया और इनका टेस्ट हुआ और उसके बाद इनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। विशेष करके जो लाइफ सेविंग से संबंधित है इनको कंप्लीट CPR से लेकर, फर्स्ट एड से लेकर और तैराकी, अगर कोई हादसा हो जाए, कोई पानी में डूब रहा हो उसको कैसे बचाना, कैसे उसको साइड में लाना, इस तरह से सारे उनको पानी के गुर सिखाए गए। मोटर बोट को ऑपरेट करने संबंधित विस्तार पूर्वक बताया। हाँ, मोटर बोट को ऑपरेट करने संबंधित और मोटर के रखरखाव, इंजन के रखरखाव संबंधित भी उनको प्रशिक्षण दिया गया। ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ उपक्रम था? हाँ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है जो कि पूरे भारत में इस तरह के कोर्सेज को बनाते हैं और लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।